पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी एक्सटेंशन में मंगलवार महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम के संचालक राजेंद्र चंद्रा रहे, जिन्होंने अपनी बड़ी पुत्रवधु संदेशा चंद्रा के हाथों से वरिष्ठ महिलाओं को सम्मान एवं फूल माला एवं शॉल पहनाकर उनका तहे दिल से स्वागत किया। आपको बता दें कि इस खास कार्यक्रम में आए 101 वरिष्ठ लोगों ने संदेशा चंद्रा को आशीर्वाद देकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। राजेंद्र चंद्रा ने भी वरिष्ठ पुरुषों को शॉल व फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। समाज के वरिष्ठ लोगों ने चंद्रा परिवार को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। इस खास कार्यक्रम में सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक समिति के अध्यक्ष चरण पाल, राजेंद्र चंद्रा, धीरज चंद्रा, लखराम चौहान, हरस्वरूप, सुखन लाल मुख्य रहे। लाइव न्यूज 100 की खास बातचीत में समाज सेविका संदेशा चंद्रा ने कहा कि माता पिता की सेवा ही परमात्मा की सच्ची सेवा है। कुछ लोग अपने माता पिता और वृद्ध जनों को बोझ समझकर वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं, जबकि उन्हें इस बात का आभास नहीं होता कि उनकी संतानें भी आने वाले समय में उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर सकती हैं। बुजुर्गों का सम्मान व सेवा करना ईश्वर की भी सेवा करने के ही समान है। बुजुर्गों के बिना देश की समस्याओं का समाधान संभव नहीं है, इसलिए बुजुर्गों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। वैसे तो चंद्रा परिवार कई वर्षों से समाज में इस तरह के कार्यक्रम करता रहता है। आपको बता दें कि कोरोना के समय में भी चंद्रा परिवार ने गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की भी खूब सेवाएं की थी। नमस्कार, मैं नितिका शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ जगतपुरी एक्सटेंशन, जहाँ पर आज वरिष्ठ नागरिक सम्मान का जो बहुत अच्छा महोत्सव इन लोगों ने मनाया है, समारोह जिसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। हमारे साथ इनके लीड्स मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे आखिर क्या कुछ वजह है इस समारोह की और आखिरकार ये सब जो किया गया है इसकी क्या वजह थी। ये जो प्रोग्राम समाज सेवा का जो चंद्रा जी ने की तरफ से जो प्रोग्राम किया, धीरज ने, बच्चे ने, जो संगीता की तरफ से जो है प्रोग्राम किया गया है, इसको जो है सर्व समाज सभी समाज के वरिष्ठ नागरिकों को यहाँ बुला करके उनका सम्मान समारोह किया गया है, उनसे आशीर्वाद प्रदान किया गया है। संदीशा जी जो हैं इनको जो है सभी ने अभी आपके सामने आपने देखा है, इनको आशीर्वाद दिया है। ये जो है किसी अगर अच्छे पद पर जाती हैं या किसी राजनीतिक पद पर जाते हैं, किसी भी पार्टी से जाती हैं, इनको कोई टिकट मिलता है या कोई इनको होता है, तो सारी बुजुर्गों से इन्होंने आशीर्वाद लिया है और आशीर्वाद दिया है और उनके सम्मान में जो है इन्होंने जो कहा है उसके लिए इनको इसलिए प्रोग्राम रखा गया है ताकि सभी सीनियर सिटीजन जितने भी हैं उनका भी सम्मान चंद्रा जी कर दें और चंद्रा जी जो है को चंद्रा जी इनका सम्मान करें और सभी सीनियर सिटीजन जो हैं सब जो है संदीशा जी का जो है आशीर्वाद दे दें अपना, तो इसीलिए प्रोग्राम रखा है। अगर जगतपुरी के लिए बड़ी सौभाग्य अच्छी बात है कि सभी सीनियर सिटीजन एक साथ इकट्ठे हुए हैं और सभी को जो है इतना सम्मान जो है चंद्रा जी ने दिया। मैं कहता हूँ जगतपुरी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अपनी कॉलोनी में इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है और ये मैं तो कहता हूँ आगे भी होता रहेगा, होते रहते हैं और भी होता रहेगा। हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र चंद्रा जी, हम इनसे भी जानना चाहेंगे जो ये समारोह हुआ आखिर इसका क्या उद्देश्य था। ये उद्देश्य हमारा सिर्फ हमारी बड़ी पुत्र बहू है, इसको इंट्रोड्यूस कराना था लोगों से जो, और साथ ही साथ सबको आशीर्वाद दिलवाना था इसको। अभी एक्चुअली ऐसे टाइम में शादी हुई है तो 3 महीना हुआ है और हमें कोई मौका नहीं मिला कि इसको लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकें, तो एक ये हमने एक प्लान किया कि लोगों से इसको आशीर्वाद दें, इंट्रोड्यूस करें, और कोई विशेष मतलब नहीं है हमारा कि किसी से, और एक दूसरे को हम लोग बड़े प्यार से रहना चाहते हैं और आपस में मिल के रहना चाहते हैं और इसीलिए ये सारे प्रोग्राम किया। ये जो संगठन आप लोगों ने वरिष्ठ नागरिक संगठन बनाया हुआ है, कितना समय हो गया इसे? इससे बहुत ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, वरिष्ठ नागरिक संगठन 2-3 महीने से अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसमें कि ये अध्यक्ष हैं, हम उसमें सह कैशियर हैं और भी सारे लोग हैं यहाँ पर। हमारे साथ मौजूद है संदेशा चंद्रा जी, हम इनसे भी जानना चाहेंगे आखिरकार जो ये समारोह आयोजित किया गया इसको देख के आपकी रूपरेखा क्या है। जी सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, लाइव न्यूज़ का धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पे आए, और ये समारोह बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के लिए रखा गया था, उनको सम्मान करने के लिए रखा गया था। आज महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि का पर्व है, इसलिए ये रखा गया था समारोह इन सबका आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं तो हम हैं, इनके बिना हम नहीं हैं।
क्या कुछ आने वाले समय में आप इन लोगों के, जिस तरह आज आपने एक वरिष्ठ नागरिक के लिए किया लेकिन महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, क्या उन लोगों के लिए भी कुछ ऐसा करने वाली हैं? हाँ जी, आने वाले समय में हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे, वो आने वाले समय में आपको पता चलता रहेगा। हमारे साथ परिवार के और भी सदस्य मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम सुमन चंद्रा है, ये मेरी बहू संदीशा चंद्रा है। आज आपने जो समारोह है वो अपनी बहू के हाथ से करवाया है, क्या कुछ वजह थी उसकी? आशीर्वाद दिलाने के लिए ये वजह थी, बस बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद मिले मेरे बहू को। तो आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे अपने परिवार को आशीर्वाद दिलवाने के लिए, आशीर्वाद के लिए कितना अच्छा आयोजन, जो समारोह का आयोजन किया गया है। हमारे साथ और भी परिवार के लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम धीरज चंद्रा है, पर ये मेरी भाभी जी हैं संदीशा चंद्रा। आपने भी बहुत बढ़ चढ़ के काम किया है इस समारोह में, आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? ये समारोह जो है हमने रखा गया था अपने बड़े बुजुर्गों के सम्मान के लिए, और जैसा कि हम बताया हमारे अंकल जी ने, भाभी जी को इंट्रोड्यूस भी करना था क्योंकि ड्यूरिंग द कोविड टाइम इनकी जो शादी हुई थी, तो किसी से भी मिलने का, वार्तालाप करने का इन्हें बिल्कुल भी समय नहीं था, कोई भी आशीर्वाद नहीं दे पाया था। तो एक शिवरात्रि का पर्व था और इसी के लिए हमने ये समारोह रखा गया। जिस तरह चंद्रा परिवार पिछले कई सालों से लोगों के लिए कार्य कर रहा है, यहाँ तक कि कोविड में भी उन्होंने सैनिटाइजर, मास्क और घर घर जाके लोगों की मदद करी है, आगे भी इसी तरह करता रहेगा। मैं नितिका शर्मा फिर हाजिर हूँगी एक नई खबर के साथ।